दोस्तों आज की इस वीडियो में रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स का पार्ट टू डिस्कस करने वाली हूँ। इसके पार्ट वन में मैंने चार रूल्स को डिस्कस किए थे एंड आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो चारों रूल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्लूरल को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, ज़्यादा नहीं कम से कम 11 या 13 होंगे, जिसको सीख लेने से प्लूरल्स फॉर्म करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब रूल नंबर 5, कोई नाउन वर्ड अगर ओ से एंड होता है और वो ओ जो है एक कॉन्सनेंट के द्वारा प्रिसीडेड किया जाता है, यानी कि ओ इज़ प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सनेंट, द प्लूरल इज़ जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। मतलब कि अगर किसी वर्ड में ओ है और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सनेंट वर्ड है, जैसे कि एल, टी या आर, ओ, जी, तो उस पार्टिकुलर वर्ड में हम लोग ई एस को ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुफेलो, बुफेलोज, हीरो, हीरोज, दोनों में ही ओ के बाद ई एस को ऐड कर देने से ही उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। अब रूल नंबर 6, अगर नाउन एंड होता है डबल ओ से एंड वर्ड्स जो एंड होते हैं आई ओ, ई ओ या फिर वाई ओ, और कुछ वर्ड्स होते हैं जो एंड होते हैं ओ से एंड प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, तो उन सारे वर्ड्स में सिर्फ एक एस को ऐड कर देने से ही प्लूरल फॉर्म बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैम्बू, बैम्बूज, कुक, रेडियो, रेडियोस। ये याद रखने की बात है कि तीन टाइप का एक ही रूल है, डबल ओ किसी वर्ड के एंड में या किसी वर्ड के एंड में आई ओ, ई ओ या फिर वाई ओ या फिर वो वर्ड के एंड में ओ हो एंड प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, बस उसका प्लूरल फॉर्म कैसे फॉर्म हो जाता है, एक एस को ऐड कर देने से। रूल नंबर 7, अगर कोई नाउन वर्ड एफ और एफ ई के साथ एंड होता है तो उसका प्लूरल फॉर्म हम लोग उसी एफ या एफ ई को चेंज करके उसके जगह पे वी ई एस को प्लेस करके फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाफ, हाफ्स, थीफ, थीफ्स, दोनों ही वर्ड में एफ को हटाकर वी ई एस को प्लेस कर दिया गया है और फिर उसका वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। अब इस रूल का एक एक्सेप्शन रूल्स भी है, जैसे कि रूल नंबर 2 का एक्सेप्शन था उसी तरह। तो एग्जांपल को देखें, चीफ, चिप्स, प्रूफ, प्रूफ्स। अब इसमें भी तो एफ है दोनों ही वर्ड में, लेकिन इन सभी वर्ड्स में वी ई एस को प्लेस करने के बजाय एस के हेल्प से प्लूरल को फॉर्म किया गया है, चीफ, चिप्स, एस को ऐड कर दिया गया है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन केस है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एफ होता है बट उसमें केवल एस को ऐड करने से ही वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है। नाउ आई होप कि आपको प्लूरल का कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो क्लियर होगा ही। आज के वीडियो में बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।